तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पावर बीआई। और ये पावर बीआई की हमारी ये पहली क्लास है, राइट? क्योंकि इससे पहले क्लासेस हमने पावर बीआई से पहले पिवट को सीखा था और हमने पिवट के सारे एंगल्स आपको क्लासेस दी। और मुझे आशा है कि इम्तियाज जी और अजय जी आपने पिवट टेबल को अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो बीच बीच में आप पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पावर बीआई के ऊपर। जैसे कि हमने शुरुआत में जो हमारी डेमो क्लास चल रही थी तो उसी में हमने आपको बताया था कि पावर बीआई को इंस्टॉल कैसे करना है। तो आई थिंक आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। और आप लोगों ने पावर बीआई की आईडी बनाई? सर आपके साथ आप शेयर करेंगे? ओके, नहीं मैंने बोला था ईमेल आईडी में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको बना के आज शाम तक शेयर कर देता हूँ। फिर आपके लिए पहले ईमेल आईडी जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि पावर बीआई में जो आप ट्रायल वर्जन का या फिर किसी भी तरह का आईडी लेते हैं, फ्री आईडी लेते हैं, तो उसके लिए आपको एक ऑफिशियल आईडी, एक वर्क ईमेल चाहिए होता है, जिसके जीमेल या वो ऐसे पब्लिक डोमेन का मेल एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं अपने अपने आईडी टीम को बोलता हूँ आपके लिए दो आईडी क्रिएट कर दे। चलिए पावर बीआई शुरू करते हैं। तो पावर बीआई शुरू करने से पहले आपको जानना होगा डेटा, कि डेटा आपके पास क्या क्या है। चलिए हम दिखाते हैं कुछ डेटा जो हम जिसपे हम बात डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां हमारे पास चलिए इसी को हम बात करते हैं, नहीं ये थोड़ा छोटा डेटा है, इसी को लेता हूं। तो पावर बीआई स्टार्ट हो रहा है, पावर स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 मिनट लग जाता है स्टार्ट होने में। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को अपडेट करने की बात कर रहा है, मतलब कि मुझे अपडेट करना पड़ेगा, इस क्लास के बाद मैं कर लूंगा, क्योंकि पावर बीआई जो है बार बार अपडेट होते रहता है, उससे रिलीज जो है हमेशा आते रहते हैं, इसलिए आपको हमेशा उसको अपडेट करते रहना होता है। हर बार अपडेट होता है, हर बार नया फीचर्स आते हैं। चलिए तो डेटा समझ रहे हैं। पावर बीआई का हमारा पहला ये है व्यू है। जब भी पावर बीआई ओपन करेंगे तो आपको इसी तरह का व्यू दिखेगा। मैंने लॉगिन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ वीडियोज, यहाँ पे फोरम, पावर बीआई ब्लॉग, ट्यूटोरियल्स, ये चीजें दिखती है। और यहाँ पे गेट डेटा, कि डेटा के इम्पोर्ट करें, और यहाँ पे रिसेंटली यूज की गई आपके फाइल्स आते हैं। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे जस्ट साइन इन का ऑप्शन देगा या साइन अप का ऑप्शन देगा। इसको क्लोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पावर बीआई में कुछ भी करने से पहले हमें क्या चाहिए? डेटा। हमें पहले डेटा को इंपोर्ट करना जानना होगा, क्या कि डेटा कैसे इंपोर्ट होता है। ओके, तो चलिए डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डेटा हम बात करेंगे वन बाय वन इंपोर्ट करना। तो हम बात करते हैं एक्सेल से कैसे डेटा इंपोर्ट किया जाएगा। उससे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। जैसे रिसेंटली मोस्ट यूजेज आपको दिखता है, इसके अलावा अगर हम मोड पे जाते हैं तो यहां आपके पास पूरा आ जाएगा सेटअप कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें देखिए कई सारे कैटेगरीज है, ऑल आ गया, ऑल आप देख सकते हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज समझते हैं फाइल। फाइल में पहले आप एक्सेल, टेक्स्ट, एक्सएमएल, जेएसएन फाइल, किसी पर्टिकुलर फोल्डर, पीडीएफ या शेयरपॉइंट फोल्डर से फाइल को ले, डेटा को ले सकते हो। ठीक है,
पीडीएफ से अगर आप लेते हैं तो पेजेस के हिसाब से सीट बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा पीडीएफ में अगर 10-15 सीट का डेटा है तो 10-15 फाइलें बन जाएगी आपकी। डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में एसक्यूएल सर्वर, एक्सेस डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर मैनेज सर्विसेज डेटाबेस, ओरिकल है, आईबीएम का है, माई एसक्यूएल भी है जिसे ओरिकल कहा जाता है, ओरिकल का माई एसक्यूएल। इसके बाद यहाँ पे साइबेस, सेंडास, SAP HANA, SAP बिजनेस, SAP वेयरहाउस मैनेजमेंट सर्वर, अमेजोन की भी है, गूगल बिग क्यूरी भी है इसमें, आप देख रहे हैं ना, BI कॉर्नर भी है, डेटा है, इसके बाद और भी बहुत सारे हैं जर्मन बड़े कंपनियों का। इतने सारे डेटा बेसिस से आप लिंक कर सकते हैं। बट इंडिया में क्या होता है, SQL सर्वर होता है, MS एक्सेस हो जाता है, ओरिकल के डेटाबेस भी होते हैं कई जगहों पे, आईबीएम के भी है, MySQL भी है। उसके बाद इसमें आपको जो है SAP, जी हाँ, SAP के भी बहुत सारे जैसे कि एक्जाम्पल है आपका ड्यूलक्स पेंट वगैरह कंपनी है वो SAP यूज करती है, तो उन उस तरह के डेटा को यहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आता है पावर प्लेटफॉर्म, मतलब पावर बीआई के खुद के प्लेटफॉर्म, पावर बीआई डेटा सेट हो गया, पावर बीआई डेटा फ्लो हो गया, कॉमन डेटा सर्विसेज हो गया, कॉमन डेटा सर्विसेज डेटा हो गया, पावर बीआई में डेटा क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो पावर बीआई की है। उसके बाद अजूरे, अब अजूरे क्या है, जैसे कि लिनक्स है, बहुत सारे जो डेटाबेस यूज करने वाली कंपनीज हैं जो सर्वर है वो लिनक्स पे डालते हैं, उसी तरीके से अजूरे पे भी सर्वर डाला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे है, तो एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्वर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है और बहुत ही सिक्योर होती है। तो अजूरे डेटा सर्वर पे जो यूज होने वाले डेटाबेसेस है वो भी आप यहाँ से कनेक्ट की जा सकते हैं, बट इंडिया में बहुत कम यूज होता है शायद। फिर ऑनलाइन सर्विसेज की बात करें तो ऑनलाइन मतलब कि जो इंटरनेट पे शेयर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो गया, डायनेमिक 365 हो गया, उसके बाद यहाँ पे अजूरे के भी है, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे भी है, सेल्स फोर्स हो गया, सेल्स फोर्स भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, गूगल एनालिटिक्स हो गया, उसके अलावा यहाँ पे अडोब के भी हैं, लिंक्डइन के से भी ले सकते हैं, फेसबुक से भी ले सकते हैं, इसके ये सारे आपको दिख रहे हैं आपको। यहाँ ये आपके ऑनलाइन सर्विसेज हैं। उसके बाद अदर सर्विसेज में आते हैं, जैसे वेब, किसी वेबसाइट का डेटा आपको लेना है, सेल्फ फाइल लिस्ट लेना है, वो डेटा लेना है, इसके बाद माइक्रोस्ट्रीम्स लेना है, हडूप फाइल लेना है, आर स्क्रिप्ट है, पैथन स्क्रिप्ट लेना है, कोई ओडीबीसी कनेक्शन है वो ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टेजी पावर बीआई भी आते हैं उसमें भी है, लेकिन इसे बहुत कम यूज होता है। अच्छा, इसमें गूगल सीट नहीं है ना? जी हाँ, क्योंकि टैबलू में हम लोग गूगल सीट भी यूज करते हैं, बट इसमें गूगल सीट नहीं है, तो गूगल सीट को अलग तरीके से लाकर लाना पड़ेगा। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन अभी जो हम करना चाहते हैं और जांच करना चाहते हैं फाइल के ऊपर, फाइल मतलब कि एक्सेल फाइल, जनरली जो लोग लेते हैं एक्सेल फाइल का ही लेते हैं, तो एक्सेल फाइल भी हम ले रहे हैं। तारा जी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। रिकॉर्डिंग सॉरी अलाउड, रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, आप रिकॉर्ड कर ले, और लेट हो गए आज आप। समय इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा था। तो एक्सेल में हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले डेटा लेके आएंगे उसी के बाद कुछ होगा ना, तो पहले डेटा हैंडलिंग आपको हम बता रहे हैं। इतने सारे डेटा है, अब इसमें से मैंने एक काम किया, डेटा एफ को ले लिया और यहाँ से इसको ओपन किया हमने। अब इसके अंदर जो भी डेटा होंगे, जितने जितने भी शीट्स होंगे, उस सारे चीज का लिस्ट यहां पे आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप डेटाबेस को कनेक्ट करते हो तो सबसे पहला एक चीज ध्यान रखना होगा, जिस सीट पे आपने डेटा कनेक्ट किया है उसका पहला रो हेडिंग होना चाहिए। अब जैसे इसी को देख लीजिए आप, इसमें क्या हुआ कि हमारा जो हेडिंग है, हमारा जो डेटा है, वो डेटा पांचवे या छठे शीट से रो से है, तो आप देख रहे हो उसने पहले कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इस तरह से उसने ले लिया। फिर
गलत डेटा आ गया ना, सेम डेटा टू में भी ऐसा ही हुआ है। बट एक अच्छी बात थी कि ये जो डेटा डला हुआ था वो टेबल में था, टेबल फॉर्मेट, जो एक्सेल में टेबल होते हैं ना, ये जो इंसर्ट में हम लोग टेबल लेते हैं, इस टेबल फॉर्मेट में था। अभी टेबल फॉर्मेट में होने से अच्छी चीज क्या हुई कि पावर की, पावर बीआई ने इसको टेबल को रीड करके आपको यहां से दे दिया टेबल, जो कि डेटा एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेट में। अब देखिए इसको सिलेक्ट तो किया, फिर भी यहां पे लोड और कुछ नहीं आ रहा। देखिए एक्सेल में सिलेक्ट कर लेना होता है, लेकिन यहां पे सिलेक्ट नहीं, इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना होता है। और यहां पे चेकबॉक्स डला हुआ है, इसका मतलब है कि हम मल्टीपल फाइल्स को ले सकते हैं। चेकबॉक्स इसलिए होता है मल्टीपल च्वाइसिस के लिए। लेकिन अगर इसी में अगर गोल बटन होता कि ऑप्शन बटन होता है, जिसको रेडियो बटन भी कहते हैं, तो क्या होता, एनी वन। तो इसमें हम एक से ज्यादा चीज को ले सकते हैं, लेकिन इस पर हम बाद में बताएंगे, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक किया, आप यहां देख रहे हैं कि यहां है लोड ट्रांसफॉर्म आ गया। अब लोड क्या है, जैसे मान लीजिए आपने डेटा को देख लिया, आपको डेटा अच्छा लगा, ये डेटा चाहिए आपको, देन आप इसको लोड कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका डेटा मॉडल में चला जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो डेटा हम देखते हैं वो पूरा नहीं चाहिए, या उसे कुछ कैलकुलेशन करके लाना है या कुछ फिल्टरेशन करके लाना है, तो हम ट्रांसपोज डेटा पे क्लिक करते हैं। ट्रांसपोज डेटा पे क्लिक करते क्या होता है, एक पावर क्यूरी में चला जाता है, और पावर क्यूरी में जाने के बाद वहां पे हम कुछ भी चीजें करेंगे और करके इसकी डेटा को लेके आएंगे। कई चीजें हम आपको आगे कुछ क्लास में बताएंगे, फिलहाल हम इसको लोड पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, वो तो डेटा के साइज पे डिपेंड करता है, और मेरे एक तो मेरा फाइल पर स्लो चल रहा होगा क्योंकि मेरा 3 दिनों से मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट नहीं हुआ, कंटिन्यू ओपन नहीं। अब देखिए तो ये देखिए जितने भी फील्ड थे फील्ड यहाँ पे आ गए, इस पर हम बाद में आते हैं, फिलहाल हम चलते हैं डेटा, क्योंकि हम पहले बताया था आपको 3 व्यू होता है। पहला होता है हमारा रिपोर्ट लेआउट, जिस पे हम रिपोर्ट बनाते हैं, दूसरा होता है हमारा डेटा व्यू, जहां पे हमारा डेटा होता है, और तीसरा मॉडल व्यू, जहां पे कई सारे चीज अगर आप इंसर्ट किए तो उसको आपस में रिलेट या रिलेशनशिप क्रिएट कर सके। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देखिए कि ये जो आपके सामने दिख रहा है ये आपके फील्ड्स हो गए, बट टैबलो में क्या होता था कि यहीं पे पता चल जाता था कि कौन सा नंबर है कौन सा टेक्स्ट है, लेकिन ये चीज आपको यहां पता चलती है हेडिंग में, जिसके सामने ये सम ऑफ का साइन दिया हुआ है, मैथमेटिकल सम ऑफ का साइन, सम ऑफ का साइन इसको बोला जाता है, इसको ई की तरह होता है, ऐसी साइन लगी हुई है, इसका मतलब है कि नंबर है, मतलब कि उसने अमाउंट को नंबर ले लिया है, टोटल को नंबर ले लिया है। जैसे जब क्लिक करेंगे यहाँ सिलेक्ट होते जाएगा, टैक्स को भी नंबर ले लिया इसने, ग्लोबल को भी नंबर ले लिया, SID को भी इसने नंबर ले लिया, और उसके बाद जो है इसने डेट, यहाँ पे जो देखिए कैलेंडर का है वो डेट, इसने इसको डेट पिक किया हुआ है। उसके बाद ये स्टेट हमारा आता है, स्टेट। अब इसको हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते, इसको अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा चेंज कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे डेटा टाइप टेक्स्ट दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कीजिए, अपने हिसाब से इसको टेक्स्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है नंबर, जैसे मान लीजिए कि आईडी है, सेल्स आईडी आपको दिख रहा है। अब सेल्स आईडी जैसे मैं जानता हूं कि ये होल नंबर है, लेकिन क्या है कि मैं दूसरे डेटा में देखना चाहता हूँ, दूसरे डेटा में हमारा टेक्स्ट था, तो यहाँ से आप टेक्स्ट कर सकते हो, या किस टाइम फॉर्मेट में टाइम कर सकते हो, डेट को डेट कर सकते हो, डेट एंड टाइम दोनों कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम अपने डेटा फॉर्मेट को। और डेटा फॉर्मेटिंग का यहाँ दिखावा दिखेगा कैसे, करेंसी में दिखेगा, डेसिमल दिखेगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका दिख रहा है टैक्स, तो जो टैक्स है इसका जनरल फॉर्मेट,
यहाँ पे डेसिमल नंबर मैंने कर दिया, यहाँ पे अप्लाई होगा और ये डेसिमल नंबर आ गया, तो दो डिजिट में आ गया। और डेसिमल प्लेसेस कितना डिजिट का होना चाहिए वो आप इसका यूज कर सकते हैं। और डिफॉल्ट इसका क्या लेगा, सम लेगा। जैसे मान लीजिए ना कि हमारा जो सीआईडी है ये हमारा नंबर तो है, तो डिफॉल्ट इसमें से काउंट दिया हुआ है, आप सम वगैरह भी इसमें दे सकते हैं, ठीक है। डेटा की कैटेगरी कि कौन सा कैटेगरी है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हमने सिलेक्ट किया स्टेट, सिटी को, स्टेट को सिलेक्ट कर दिया। अब इसकी डेटा कैटेगरी क्या है, अनकैटराइज। तो अनकैटराइज में यहाँ देखिए आप सामने देख सकते हैं कि स्टेट हो गया, पोस्टल कोड हो गया, कंट्री हो गया, दिख रहा है आपको, लैंगिट्यूड है, लैटिट्यूड हो, ये मैप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने इसको स्टेट को सिलेक्ट कर दिया, तो अब ये स्टेट इस पे वर्क हो रहा है। और देखिए इस पे आपका ग्लोब का सिंबल आ गया, ग्लोब का सिंबल आ गया मतलब कि अभी क्या हो गया, ये जियोग्राफिकल डेटा हो गया। सेम सिटी को भी अनकैटराइज है, इसको हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं सिटी। सिटी जब हमने कर दिया इसको भी इसने रीड किया, और रीड करने के बाद इसको भी इसको जियोग्राफिकल डेटा में डाल दिया। इसे ग्लोब का निशान हो गया, तो मैप पे आसानी से यूज हो जाता है। ओके, उसके बाद बाकी सेम चीजें तो सेम है। तो डेटा को अपने हिसाब से ठीक ठाक करने के बाद फिर हम रिपोर्ट को यूज करेंगे। तो एक रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसमें भी तीन चीजें है, फिल्टर, विजुलाइजेशन एंड फिल। तो फिलहाल फिल्टर को इग्नोर करते हैं, उसको यहां से हम इग्नोर कर देते हैं फिलहाल। अब मेरे पास आता है विजुलाइजेशन। तो विजुलाइजेशन में ये आपके चार्ट्स हैं, ये सारे के सारे चार्ट्स हैं, ये ट्री मैप चार्ट है, ये आपका मैप है, ये आपका गैप चार्ट है, ये आपका कार्ड है, ये आपका लिस्ट है, मल्टीपल रो कार्ड। उसके बाद एक केपीआई होता है, स्लाइसर होता है, ये आपके दो टेबल होता है। तो फिलहाल हम टेबल में डेटा को कैसे लाएंगे इसको देखते हैं। तो हमने यहाँ से इस टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल सिलेक्ट करते हैं, टेबल का पोजीशन आ गया, आप इसको जहां रखना है आप वहां इसको सेटल कर सकते हैं, कितना बड़ा करना है। हालांकि ये चीजें हम डेटा डालने के बाद करते हैं। जैसे मुझे डालना है कि नेम बाय टोटल क्वांटिटी, तो हमने इसको नेम कर दिया और यहां पे क्वांटिटी को रख दिया। तो यहां पर आपका डेटा आपके सामने दिख रहा है। अब यहां देखिए इसने दिखा दिया वैल्यू में नेम एंड क्वांटिटी दिख रहा है, ये आपको दिख गया। उसके बाद इसके यहां पे इसकी फॉर्मेट है कि क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, किस तरह के टाइटल होने चाहिए, किस तरह क्या होनी चाहिए, ये चीज आप इसका यूज कर। जैसे टाइटल आपका ऑफ है, मैंने इसको ऑन कर दिया, ये आपका टाइटल दिखता है। इस पे भी हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे, इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, कि टेक्स्ट की साइज जो है आपको यहां से बड़ा नहीं होगा, ये फॉर्मेटिंग से ही जाके आपको टेक्स्ट की साइज को बड़ा करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं दो फील्ड हूं, मैं बोलता हूं कि इसमें प्रोडक्ट भी रख देता हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अनप्रिवर्ट फॉर्मेट आएगा। जी हाँ, अनप्रिवर्ट फॉर्मेट, जैसे आप रिपीटेड हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। आप जैसे कि इंदर आ गया, सीडी इंदर, डीवीडी इंदर, ईटीसी इंदर, एसडी इंदर, एमबी इंदर खत्म हुआ, देन कविता स्टार्ट हुआ, और वन बाय वन इसको अनप्रिवर्ट फॉर्मेट कहते हैं। इसको अगर आप पिवट फॉर्मेट या मैट्रिक्स फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो ये आपका ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी विजुलाइजेशन को हम सिलेक्ट करते हैं और हमारा रिपोर्ट क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है आपको सर? लेकिन फिर इसके हम बाद में बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा को इम्पोर्ट करना, कि डेटा को हम कैसे इम्पोर्ट करेंगे, ये मेन टॉपिक होता है, राइट सर? अब जैसे डेटा इम्पोर्ट हुआ हमारा, ये डेटा हमारा लाइव कनेक्टेड होता है। जैसे एक्सेल में कोई चेंज होती है
तो यहाँ भी डेटा चेंज हो जाएगा। मान लीजिए डेटा अगर चेंज नहीं होता है तो यहाँ टेबल टूल्स में आइए आप, और इस पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश का ऑप्शन तो आपको होम में मिल जाएगा, ये रहा आपका रिफ्रेश का ऑप्शन, ये आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, डेटा आपको ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे पब्लिश का जो ऑप्शन आपका दिख रहा है, जब आपका रिपोर्ट रेडी हो जाए तो पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पावर बीआई के ऊपर चला जाएगा। तो अभी क्या है, अवेयरनेस है आपकी पावर बीआई की, तो अभी आपको क्या करना है कि आपके पास जो डेटा है ऐसे डेटा को क्या करना है, आपको यूज करना है और जो है छोटे छोटे रिपोर्ट्स बनाने हैं, समझे सर सारा जी। पावर बीआई को ओपन कीजिए, उसमें एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कीजिए और छोटे छोटे फाइल को बनाइए, फाइल को सेव कीजिए और मुझे मेल कीजिए, मैं देखना चाहता हूं किस तरह से आप डेटा को हैंडल कर रहे हैं। फिर कल हम आपको जो है एक्सेल में कई सारे शीट्स, कई सारे फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं वो बताएंगे, और बाकी जो इंपोर्टिंग है जैसे कि टेक्स्ट हो गया, पिवट हो गया, फाइल हो गया, पीडीएफ हो गया, सर्वर हो गया, एक्सेस हो गया, इनकी भी कनेक्टिविटी हम कराएंगे। सर मेरा क्वेश्चन है।